चलो, एक आता है मास स्पेक्ट्रोम में, ये बहुत बड़ा डिवाइस होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक डिवाइस होता है, हमारे सिलेबस में तो है नहीं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को मॉलिकुलर एटॉमिक लेवल पे यूज होता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ आयंस, और भी चीज़ों के लिए होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। द आयंस आर इनिशियली एक्सेलरेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। अब कोई आयन है, उसको चलो मान लो ये यहाँ पर एक आयन है, उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट कर दिए हो, एक्सेलरेट कर दिए मतलब मान लो उसको हम कांस्टेंट एक्सेलेशन ही दे दिए, वेलोसिटी भी दे दिए। अब ये कहता है एंड देन मेड ऑफ द डिस्क्राइब सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इन मैग्नेटिक फील्ड भी। अब जैसे ये आयन है, मान लो ये आयन है, हीलियम का कुछ भी है, ये आयन है, अब जब इधर जा रहा था तो आगे जाके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, जो मैं लगा दे रहा हूँ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर में। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बोर्ड के परपेंडिकुलर बी इनसाइड अंदर। अब हम सबको पता है इस पे फोर्स लगता है क्यू बी क्रॉस बी, अगर पॉजिटिव आयन है तो उस पे फोर्स बी क्रॉस बी लगेगा, तो बी इधर है बी अंदर है तो उस पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, तो ये ऊपर की टाइम में ऐसे सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा सर्कल का सेंटर ओ लेके। तो इस सर्कल का जो रेडियस है आर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरा है तो सर्कल का ऐसे कंप्लीट कर लेगा। तो हमें निकालना है बी एंड वी आर केप्ट कांस्टेंट, याद रखना है कि वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करना है, तो क्यू अपान एम की वैल्यू निकालना, चार्ज चार्ज अपान मास, क्यू अपान एम प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो रेशियो निकालना मतलब इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग, क्यू अपान एम रेडियस आर के टर्म में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखो दो कॉन्सेप्ट है, अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके पास आ रही है क्या, काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ एम वेलोसिटी वी का स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाए हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाए हो तो वही तो वर्क कर रही है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, अगर इधर माइनस लगा दूँ ठीक है तो प्लस वाला है, तो इधर कहीं प्लस प्लेट होगा तभी तो इधर जा रहा होगा, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक चार्ज और मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से जो मुझे पहला इक्वेशन मिल गया, हाफ एम वेलोसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू और कैपिटल एम के इक्वल हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा तो परपेंडिकुलर जा रहा है तो सर्कल में चलता है, मैग्नेटिज्म में हम पढ़ चुके हैं, तो अगर सर्कल में चलता है तो उस सर्कुलर पोज में उस पर इलेक्ट्रिकल, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉन रेडियस आर स्पीड का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है तो थीटा 90 है, और यहाँ से तो यहाँ से जो वेलोसिटी वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू बी आर और डिवाइडेड बाई एम, दिस इज वॉट, वह स्पीड है, वेलोसिटी नहीं कहेंगे, ये स्पीड है, तो वो स्पीड की मैग्नीट्यूड आ गया, स्पीड इतना। अब इस स्पीड को अगर मैं यहाँ ले जा कर रख दूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज में चार्ज में एक रिलेशन दिखने लगेगा, तो इसको मैं हाफ एम और वेलोसिटी भी का स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए बोलो, क्यू अपान एम चाहिए, तो क्यू अपान एम निकालने के लिए एक क्यू ने एक क्यू को, ठीक है, तो यहाँ से क्यू अपान एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो टू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये जो चीज़ है वो मिल जाएगी। अब हमें रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू अपान एम प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगता है, कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है मैं कहूँगा कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है, ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट लगे हैं, तो वन अपान आर का स्क्वायर मतलब ये वन अपान, ये ऑप्शन सही है।
चलो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश